हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है वेज किचन वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी की बहुत ही टेस्टी सूखी मसालेदार सब्जी, जिसका नाम है अरबी मसाला। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और आप इसे पूरी या पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमने ली है 500 ग्राम अरबी, यानी कि आधा किलो अरबी। इसे मैंने 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम अरबी को बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास पानी। और अब प्रेशर कुकर को लिड से कवर कर देंगे और इसमें 2 विसल आने देंगे। तो प्रेशर कुकर में 2 विसल आ चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर अपने आप ही रिलीज होने देंगे। तो कुकर का सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब हम अरबी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी अरबी एकदम परफेक्ट कुक हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी अरबी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे छील लेंगे। ठंडी होने के बाद अरबी आसानी से छिल जाती है और अगर आपको लग रहा है कि आपकी अरबी ज़्यादा चिपक रही है तो आप अपने हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लें तो अरबी आसानी से छिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अरबी को छील लिया है, ये देखिए। इसी तरह से हम बाकी सारी अरबी छील लेंगे। तो अब हमने सारी अरबी को छील लिया है, अब इसे 2 भागों में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सारी सब्जी को 2 भागों में कट कर लिया है। अब चलते हैं सब्जी बनाने की प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तो आप इस सब्जी को सरसों के तेल में ही बनाएं तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन और अब इसमें जाएगी 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो इसे कम ही डालें। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इन सभी को हल्का भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। मिक्स कर लेंगे इसे भी। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अरबी। और अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई मसाले, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा सब्जी में। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। अब हम मसालों को अरबी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अरबी को मसालों के साथ धीरे धीरे भुनने देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आएगा और हमारी अरबी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार होगी। तो इस सब्जी को भूनते हुए लगभग हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है हमारी सब्जी। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सुपर टेस्टी चटपटी कुरकुरी अरबी की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। तो आप भी इस सब्ज़ी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए पराठे पूरी किसी के साथ भी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और अब इसे गार्निश कर देंगे थोड़े से फ्रेश हरे धनिए से। तो आज की मेरी अरबी मसाला की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।